हम एक छोटे से ब्रेक की बात करेंगे। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन ओपन करके, ओपन ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेरी गुड। ग्लास, ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, वेरी गुड। कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है। चलो ग्लास, वेरी इज द ग्लास, वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को, वेरी गुड। बाउल में क्या करता है गणेश? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया।
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और अभी तक हमने बात करी थी लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बच्चा लिप रीडिंग पे ज्यादा फोकस करता है विजुअल स्टिमुलस के थ्रू, क्योंकि हियरिंग उसकी अफेक्टेड है तो सुनने की क्षमता उसकी इतनी डेवलप नहीं है, इतनी विकसित नहीं है कि वो सुन के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके और समझ सके। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं डिटेल में हमारे एक्सपर्ट के साथ। So having discussed all the other areas, now we come down to literacy related characteristics. Now this literacy related characteristic is very important when we are seeing the academic achievement of children. Ultimately, you know, we have to make them literate, and literacy, as you all know, comprises of reading, writing and arithmetic. So because of delayed language, because of less vocabulary and, you know, their improper understanding about sentence organization and all, these all things are reflected when they start reading and writing. So you'll find a number of errors which they do while they are reading or writing. So this is very, you know, this is a very important area where we special educators need to focus on, because from here, if you give them proper intervention, you know the strategies, how to make them read properly, how to make them write properly, then this gap or this lacunae of academic achievement can be overcome. So let us now see about the reading characteristics. Under reading, we have poor comprehension, which is better in context than in isolation. Then we have problem in deciphering the meanings of figurative language like metaphors, simile, etc. Confused with complex question forms, and they read words in isolation. Dealing with the first point, that is poor comprehension, better in context than in isolation. What does reading mean? When you read something, it is just not pronouncing the words or, you know, emitting out the sounds. When you read a sentence, a man is digging a hole. You read this sentence, a man is digging a hole. Instantly, there's a picture in your mind. You see a man digging a hole. That picture is created. So reading is just not pronouncing the words, it is deciphering the meaning too, simultaneously. You keep reading and then you decipher the meaning. जी, अब हमारे hearing impaired बच्चों का चूंकि language underdeveloped है, vocabulary appropriate नहीं है. So for example, if a hearing impaired child of class 2 or 3 reads this sentence, a man is digging a hole, he will miss out the meaning of the sentence. Okay, the meaning is better if you give them the words in isolation. For example, you write a word man and you ask him the meaning, he'll be able to tell you. But when he is reading that sentence, a man is digging a hole, he is not able to comprehend the message in the sentence, inherent in the sentence. He is not able to decipher, he is not able to link that a man is digging a hole, and he is not able to make that mental picture what normal peers or the normal children do. So we see that they understand words in isolation, but when you are using the words in some context, they are not able to do it. Second is problem in deciphering the meanings of figurative language. Hum jab baat karte hai, many a times, you know, our language is a beautiful thing. It's a instrument by which you can express your ideas. So you know, you use jokes, aap muhavre use karte hai, lokuktiyan use karte hai. In English, you know, we use metaphors, simile. But for our children, this is very difficult for them to understand. Figurative language jo hai, wo unki samajh mein bahut kam aata hai. Simple, straightforward sentences, you tell them, they read and they understand the meaning. They try to understand the meaning. But agar aapne usse kaha ki, jaise koi muhavra le lijiye, theek hai? Jaise lohe ke chane chabana. Now he will not be able to understand the meaning lohe ke chane chabana. क्योंकि ये जो मुहावरा हमने यूज किया है, ये इसका मतलब जो है वो कुछ अलग होता है. इफ यू गो बाय, या अंडरलाइन मीनिंग इज डिफरेंट. इफ यू गो बाय द वर्ड्स लोहे के चने चबाना, देन यू विल नॉट कम टू द डिजायर्ड रिजल्ट. सो देयरफॉर
children with hearing impairment, they have problems in deciphering the figurative language. जी. Third thing is confused with complex question forms. Question forms, if you ask them a straight question, how did the police catch the thief? They'll understand it. They'll try to understand it. But if you ask them, if you convert the sentence, how was the thief caught? And then, you know, there's a blank face. They'll not be able to answer it. They'll not be able to understand what the question meant. So they have problems in with complex question forms. So when you're dealing with children with hearing impairment, these characteristics are important, because when you're dealing with them, you need to understand the problem area. Until and unless you understand the problem area, जब तक आपको यही नहीं पता है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस चीज में है. आपने उसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया, आपने क्वेश्चन दिया था हाउ वॉज द थीफ कॉट एंड द चाइल्ड डिड नॉट राइट एनी आंसर, व्हाट डिड यू थिंक? बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया है. लेकिन ये भी बात हो सकती है कि बच्चे को समझ में तो आया था, लेकिन ही हैड द प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन फॉर्म. सो यू नीड टू मॉडिफाई द क्वेश्चन फॉर्म, और मे बी यू नीड टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस हैज द सेम मीनिंग एज द प्रीवियस सेंटेंस. क्योंकि बच्चे को वैसे बेसिकली पता है कि क्या उसका आंसर होना चाहिए था, बट द लैंग्वेज फॉर्म इज बीइंग चेंज्ड, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया उसके लिए. या सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द चाइल्ड इज अनेबल टू प्रोड्यूस आंसर व्हेन यू यूज डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म्स. जी. द अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज रीड वर्ड्स इन आइसोलेशन. दैट इज द सेम थिंग, व्हेन दे रीड अ सेंटेंस, दे डोंट रीड द सेंटेंस एज अ होल. हम जब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ओके, तो देयर व्हेन यू रीड अ स्टोरी और यू नो व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, यू रीड अ पैराग्राफ इन सोशल साइंस, यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस, यू गो टू द सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि दैट यू नीड टू मेक अ लिंक बिटवीन ऑल द फोर सेंटेंसेस, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ. सो द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, दे रीड वर्ड्स इन आइसोलेशन. They are not able to make that connection between the sentences in a paragraph. And this is reflected in writing too. If you ask the child to describe a picture, they will describe the picture in isolation. We'll come to it when we discuss about writing, the characteristics of writing. So the hearing impaired children, they read words in isolation. And if you provide them with the context, they'll understand it better. But if you use the words in isolation, they find it difficult to understand them. क्योंकि उनकी formation में मतलब एक correct formation नहीं हो पाती बच्चे की, इसीलिए वो express नहीं कर पाते. Writing में भी इसीलिए problem होती है. हाँ जी, reading and writing are interlinked. Okay, once you are not able to understand the meaning, you will not be able to produce that in a script. What I mentioned about the point was that, isolation में words को पढ़ना और समझना, जब वो writing करते हैं, जब किसी picture को describe करते हैं, तो उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें होती है. जैसे कोई picture है, कोई परी किसी बच्चे को फूल दे रही है ना, उसके पीछे आप बहुत सारा कुछ meaning आप बना सकते हैं, आपकी creativity हो सकती है, आप उसके पीछे एक entire story लिख सकते हैं, उसके पीछे क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा. But our children, they decipher the meaning in isolation. उनको क्या दिखेगा? एक परी, blue color का dress, एक बच्चा, हाथ में फूल. They will not be able to उसको link नहीं meaning करके, नहीं they'll not be able to write. Maybe they'll understand it. Maybe they'll also have they have their own creativity. They'll be able to construct the story, but that will not be produced. जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताया कि आइसोलेशन में वो अलग अलग करके पढ़ते हैं, एक प्रॉपर जो करेक्ट फॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते. बिल्कुल. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू सी व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग. एंड अ चाइल्ड वुड स्टार्ट रीडिंग व्हेन ही इज मे बी 6 or 7 ईयर्स ओल्ड. अ चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग, सो बिफोर दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग, यू विल फाइंड दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन you can understand that the child must be having a problem in hearing. Now we move on to the characteristics of writing, in writing. So under this, the children with hearing impairment, they normally write short and they write simple sentences. Their sentences are more of a rigid and stereotype.
They use fewer conjunctions, prepositions. They have errors of addition of unnecessary words, errors of omission, errors of substitution, errors of word order, spellings and punctuation marks, and they rarely use relative words like if, like, however, etc. Now, when we discuss about writing, as we have already discussed, they are sentences. The sentences what hearing impaired children understand is mostly simple sentences. And when they write or when they express, when they communicate, they express, they communicate in simple sentences. When you see their writing, you will find hearing impaired children mostly use short sentences, which will mainly comprise, as I already said, it will be comprised of noun and a verb. Hardly you will find a hearing impaired child writing a long sentence. You know, long sentence with conjunctions, in a passive form, in a indirect manner, you will hardly find. Their writing mostly comprises of short and simple sentences. And their sentences are very rigid and stereotype. Like, agar unne ek tarah ka sentence banana seekh liya hai, to the entire text will be full of those kind of sentences. For example, if you ask him to describe a picture, he'll say, this is a cat, this is a pond, this is the sky. Same format. Yeah, the stereotypic sentences you will find. One type of sentences, the same sentence will be reflected. He'll just change the noun or he'll just change the verb. So these are called rigid and stereotypic sentences. Along with that, as we have already discussed, they hardly use conjunctions and prepositions. For example, if a boy, maybe there's a boy in the class, he's hearing impaired and his name is Arun. So if he needs to say that this is his book, so what will he say? What will a normal child say? He'll say, this is my book. But in this case, the hearing impaired child, he doesn't know how to use prepositions or pronouns. So he'll say, this is Arun book. You must have noticed children with disabilities, you know, this is a common problem in many of the disabilities, that they don't use pronouns. They seldom use pronouns. So they say, आपने पहले बताया था कि basically मतलब ज़्यादातर बच्चे nouns and verbs use करते हैं. They don't use prepositions and conjunctions more often. Yeah. So this is Arun book instead of saying this is my book. Errors of addition of unnecessary words. Many a times you will see that they use unnecessary words which are not required for the sentence to be completed. They'll use that kind of words. For example, the child Ram is talking to me. Okay. Then we have errors of omission, where they omit some of the words. Like, you will find a sentence where you do not have a preposition, where you do not have words flying sky. This is a sentence of a picture description. Now, what he missed out in this sentence is are, in, the. So these three words he missed. He omitted these three words, and his sentence was birds flying sky. Then they have errors of substitution, where they substitute what word was required, they substitute it with some other word. Okay, like, you know, when you discuss about addition, errors of addition, what they will do is, this is bird crow. Crow is already a bird. You need not write it as bird crow. But since crow is a bird for them, what they did an unnecessary addition of the word bird. So they said, the black bird crow. Then we have errors of word order. We have discussed this, that they, you know, somehow they don't follow the proper order. The verb would come from like you have told, in the organization mein problem hoti hai sentence. The subject, verb and object ka jo organization hota hai, they'll tamper with it. Most of the times you'll find it ki jaise a verb ko change kar diya object ki jagah and object in place of the verb. Yeah. And then spellings and punctuation marks. Now this is very obvious, because as we have discussed, their speech, they don't have the supra segmental features.
they don't put pauses, they don't emphasize on words. So, that is reflected in writing. They'll not use comma. They forget to, you know, put exclamation marks. So, these punctuation marks are missing when you see a writing script of a child with hearing impairment. And the spelling errors are quite obvious because I said they miss out some of the auditory cues. Since they are not able to receive all the signals. So hence, for example, a word called apple, maybe he did not hear the sound E. So naturally when he writes the spelling, he'll write A-P-P-L. He'll miss out the E. So the writing is full of, you know, grammatical and spelling errors. And finally, they rarely use relative words like if, like, however, etc. You know, these words are used when you make a sentence, when you make a compound or mixed sentence. So, hardly... Combination hum karte hain, ek sentence ko dusre sentence ke saath jab hum link karte hain, toh in words ka hum use karte hain. Yeah. So, you'll rarely find the relative words in a child with hearing impairment script when he writes something. There's an example like, you know, you can do it very, to understand the writing characteristics. You walk into your class, you ask, you put a picture, unke saamne ek achha khasa, achha rangeen sa picture unke saamne rakhiye, aur bachcho se boliye ki please describe this picture. Describe it in your own words, write it down. And then you will come to know the actual potential of the children, their language, what lag they are, you know, how they are lacking from their normal friends. And the writing and reading errors you'll come to know. So then you can work upon how to improve them. मतलब जो भी as a special educator work कर रहे हैं या parents हैं वो भी अपने बच्चे के साथ देख के evaluate कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे expert ने बताया कि कोई colorful picture लेके थोड़ी अच्छी सी जो बच्चे को appeal करे उसमें वो देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से sentence formation में expression में बोलने में इन वर्ड्स को लैक करता है, ये वर्ड्स यूज नहीं कर पाता है. अगर एक सिचुएशन को कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस हमें यूज करना है, उसको ज्वाइन करने में उसको किस तरह से दिक्कत होती है एक्सप्रेशन में, तो ऐसा हियरिंग लॉस के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है. या सो वी हैव डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग लॉस. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, यू नो, पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. जी, दैट इज टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस. तो बेसिकली अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमारे व्यूअर्स ने जाना इन डिटेल कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग लॉस बच्चों में वो कौन कौन से होते हैं. हमने स्टार्टिंग से देखा कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और लिटरेसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि लिटरेसी में आता है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग, कैसे बच्चा पढ़ता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करता है, विद एग्जांपल्स हमारे एक्सपर्ट ने डिटेल में बताया. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ टूडेज टॉपिक. इट्स द टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस. बच्चे को हियरिंग लॉस किस किस तरह का होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स. ओके, नाउ व्हेन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, वी कैन क्लासिफाई हियरिंग लॉस इन मेनी वेज. बहुत तरीकों से आप हियरिंग लॉस को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन फाइव एस्पेक्ट्स. वी हैव कंसिडर्ड हियर फाइव एस्पेक्ट्स. इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री, इट इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट, साइट ऑफ लीजन, नेचर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस. दीज आर द फाइव एस्पेक्ट्स विच वी विल कवर इन द एंसुइंग डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टार्ट with the first parameter, that is age of onset. Hearing impairment बच्चे को कब हुआ? जैसा कि आप मुझसे पूछ रही थी इससे पहले कि parents को कैसे पता चलेगा. जी, intervention के लिए first of all it is necessary to detect कि बच्चे को hearing impaired है. So age of onset is a major criteria by which you can classify hearing loss. Now some children you'll find, कुछ बच्चे जन्म से बधिर होते हैं, they are hearing impaired by birth. So these children are said to have congenital hearing loss. So hearing loss can be divided on the basis of age of onset into two types. One is congenital and the second one is acquired. Congenital means by birth and acquired means after birth. By some or the other reason,
the child, you know, acquired hearing loss. Now the acquisition, acquired hearing loss, can further be subdivided into two categories. The first is prelingual and the second is postlingual. Now why we have divided the acquired hearing loss into prelingual and postlingual? Why? Because हमारे इतने discussions से आपको समझ में आ गया होगा कि hearing impaired बच्चों में जो major problem है, which is the most remarkable problem, is language. और language एक ऐसा issue है जिसके ऊपर we are constantly trying to manage this language gap, this language development. We're trying. It is very important because it will affect, it is going to affect the other areas of his development. So, to be able to, you know, provide proper intervention and अच्छी तरीके से हम इस language के issue को, you know, manage कर सके, इसके लिए जरूरी है ये पता लगाना कि बच्चे में जो hearing loss है वो लैंग्वेज एक्विजिशन के पहले हुआ या लैंग्वेज एक्विजिशन के बाद हुआ. नाउ हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्वायर करने का एक एज होता है, यू नो देयर इज अ एज आफ्टर 3 इयर्स द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्वायरिंग लैंग्वेज. ओके, सो अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट 3 साल के पहले हुआ है तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, तब नहीं होगी, बिकॉज इसके बाद जो उनका उसका जो क्रिटिकल ईयर है, यू नो बिफोर थ्री इयर्स अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है देन ही विल हार्डली यू नो गेट दैट अपॉर्चुनिटी दैट एक्सपोजर टू द लैंग्वेज एंड ही विल हार्डली लर्न द लैंग्वेज. लेकिन अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट, मान लीजिए 7 साल में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण बच्चा बधिर हो गया, देन ही हैज पास दैट लैंग्वेज एक्विजिशन फेज. इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे कि आपने बताया क्रिटिकल एज 3 इयर्स से पहले अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड होता है तो लैंग्वेज इज नॉट एक्वायर्ड, लैंग्वेज तब तक बच्चे ने नहीं सीखी होती. लेकिन अगर बाद में किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी लाइक एक्सीडेंट की वजह से बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है और तब वो लैंग्वेज सीख चुका होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज. या देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज then we term the child who has hearing impairment at a 7 years age, then we term him as postlingual hearing loss because he has passed that language acquisition phase. इस बच्चे को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी बिकॉज इसमें क्या है, इसमें बच्चा सीख चुका है, he has acquired, he has passed through that language acquisition phase. और 7 साल तक तो आप देखेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बच्चे काफी कुछ लैंग्वेज में दे कैन यू नो फुल्ली यू नो कॉन्वर्स विद यू. उनके पास उतनी शब्द कोश और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन दे लर्न. क्योंकि आपने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि जो वोकैबुलरी होती है वो बच्चे की, हर साल वो एज के साथ उनकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाती है और वो नए वर्ड्स एक्वायर करते हैं. बिल्कुल. सो अंडर एक्वायर्ड हियरिंग लॉस वी हैव गॉट 2 कैटेगरीज ऑफ हियरिंग लॉस, दैट वन इज प्रीलिंगुअल which occurs in children when they have, you know, deafness before 3 years, and postlingual, the children which who acquire hearing loss after 3 years are termed as postlingual hearing loss. तो जैसे कि ये हमने देखा कि age of onset के according क्या classification हो सकती है hearing loss के बच्चों में. कुछ तो बच्चे by birth hearing loss होते हैं और कुछ acquired होते हैं. Acquired in the sense कि उनका जन्म के बाद हियरिंग लॉस हुआ होता है, वो लैंग्वेज डेवलप होने के पहले भी हो सकता है और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद भी हो सकता है. आगे की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस हम एक छोटे से ब्रेक की बात करेंगे. दिस इज अपर्णा. शी लव्स चेस एंड शाहरुख खान. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi.
and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुनी। He also uses crutches for mobility. सुंदर है तू, मेरा सूरज है तू। This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ हियरिंग लॉस के बारे में, उनके टाइप्स, एज ऑफ ऑनसेट। तो अभी हमने बात की एज ऑफ ऑनसेट, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बर्थ से पहले कॉन्जेनिटल सिंस बर्थ एंड आफ्टर बर्थ कैसे हम हियरिंग लॉस हो सकता है एक इंडिविजुअल को, और इट डिपेंड्स कि लैंग्वेज एक्वायर करने से पहले हुआ। जैसे कि एक एज क्राइटेरिया बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि अगर 3 साल से पहले बच्चे को हियरिंग लॉस होता है तो इसका मतलब तब तक उसने लैंग्वेज एक्वायर नहीं करी है, और उसको हम टर्म करते हैं प्री लिंगुअल। और इसी तरह से अगर 3 साल के बाद होता है किसी भी ट्रोमैटिक या एक्सीडेंट केस की वजह से, तो उसमें बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, कर चुका होता है, तो उसकी जो इंटरवेंशन होती है वो अलग होती है, डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्टेज पे है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। So the first criteria of classifying hearing loss was age of onset. Now we move on to the next criteria, and that is site of lesion. Site of lesion का मतलब है कि the जो problem area है, everybody must have studied about the anatomy of human ear. So the ear is divided into mainly 3 sections, that is outer ear, middle ear and inner ear. तो इस पूरे
ईयर में जो खराबी है या जो प्रॉब्लम है वो कौन से एरिया में है, उस पर वी हैव डिवाइडेड द लॉस इनटू थ्री टाइप्स. सो दिस इज बेस्ड ऑन द साइट ऑफ लीजन. वी क्लासिफाई हियरिंग लॉस एज कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस. नाउ अगर हम ह्यूमन ईयर देखें तो वहां पर यूल गेट टू सी दैट द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज एज वी हैव ऑलरेडी सेड. नाउ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इट अकर्स व्हेन द इन्फेक्शन और द प्रॉब्लम इज इन द आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर. आउटर ईयर में जो कि ईयर कैनाल है या हमारा पिन्ना है, एंड मिडिल ईयर में एज यू ऑल नो देर आर थ्री बोन्स. सो उनके कनेक्शन में या अगर ईयर कैनाल में कभी वैक्स जमा हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे केसेस में सुनाई कम देता है एंड वी टर्म इट एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. दिस कंडक्टिव हियरिंग लॉस यू नो इट कैन बी रिपेयर्ड. ये ऐसा लॉस है जिसको हम सर्जरी से या फिर वैक्स अगर आपने क्लीन कर दिया, इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर दिया एंटीबायोटिक्स देकर, सो यू कैन दिस इज अ रिवर्सिबल हियरिंग लॉस कि आप इसको बदल सकते हैं. यू नो द अगेन द पावर ऑफ हियरिंग कैन बी रिटेन्ड. सो दिस इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हियरिंग लॉस, दैट वॉज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. नाउ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इट अकर्स इन द इनर ईयर, और इनर ईयर में एज यू ऑल नो इनर ईयर कंप्राइजेज ऑफ द कॉक्लिया. अलोंग विद इट वी हैव द ऑडिटरी नर्व और द एथ नर्व विच वी से एथ क्रेनियल नर्व. सो अगर प्रॉब्लम कॉक्लिया में है या ऑडिटरी पाथवे में है, देन वी टर्म इट एज टू बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. एंड दिस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यू नो इट कांट बी ट्रीटेड. इसको हम किसी तरह से भी आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. यू कैन यूज हियरिंग एड्स, यू कैन यूज कॉक्लियर इम्प्लांट, बट थ्रू सर्जरी यू कांट चेंज इट. एज एन कंडक्टिव हियरिंग लॉस आप वैक्स निकालकर सर्जरी करके आप उसको ठीक कर सकते थे, बट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को आप ठीक नहीं कर सकते हैं. सो द प्रॉब्लम एरिया इज द कॉक्लिया. कॉक्लिया में देखा भी वेरियस रीजन फॉर इट. कॉक्लिया में एज यू ऑल नो देर इज अ फ्लूइड एंड देन वी हैव हेयर सेल्स एंड देन वी हैव द ऑडिटरी पाथवे. तो कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ी हो, देन दिस हियरिंग लॉस इज टर्म्ड एज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. एंड द थर्ड टाइप ऑफ लॉस इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस. नाउ दिस मिक्स्ड हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन देर इज अ प्रॉब्लम इन द आउटर ईयर, मिडल ईयर एज वेल एज इनर ईयर. व्हेन देर इज अ प्रॉब्लम इन ऑल द एरियाज ऑफ द ईयर वी टर्म इट एज मिक्स्ड हियरिंग लॉस. एंड दिस इज इजिली identified, this is easily detected through audiogram. Pure tone audiometry के द्वारा आप जो audiologist होते हैं वो graph audiogram देखकर they can very easily identify that the loss is of which type. और हर type के loss को manage करने का या उनको hearing aid, जैसा कि आप कह रही थी कि किस प्रकार का hearing aid दिया जाए. So children you know affected with conductive hearing loss or sensory neural hearing loss or mixed hearing loss. So they have various categories. The audiologist knows ki kis loss ke liye kis prakar ka hearing aid is suitable for the child. So this classification is based on the site of lesion. Matlab jo infection hai ya jo problem hai wo kaan ke kis bhag mein hai. To jis hisab se problem hai bacche ka jo kaan ka jo part affected hai usi ke according further intervention or management plan किया जाता है. Right. Now we move on to the next basis and that is called nature of hearing loss. जो hearing loss है उसकी प्रकृति कैसी है. So under it we have sudden hearing loss and gradual and progressive. Gradual or it is also called as progressive hearing loss. Now sudden hearing loss, for example, अचानक से accident हुआ या लाउड एक्सपोजर हुआ. बच्चे ने बहुत तेज, दिवाली के टाइम पे पटाखे हम जलाते हैं और बहुत तेज आवाज वाली कोई पटाखा बच्चे ने सुना और उसके कान के पर्दे में छेद हो गया या ही एक्वायर्ड अ हियरिंग लॉस. सो दिस इज कॉल्ड अ सडन हियरिंग लॉस, जो अचानक से होता है.
वी हैव अनदर टाइप विच इज कॉल्ड ग्रेजुअल हियरिंग लॉस, जिसमें जो हियरिंग लॉस है उसका जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. यू नो इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. बहुत सारे ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि ओल्ड एज में जैसे जैसे एज होती रहती है आपकी हियरिंग खराब से खराब होती रहती है. सो इन दिस केसेस बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें यू नो हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिवली आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस एंड द अर्लियर वन वॉज सडन हियरिंग लॉस. नाउ द मेन थिंग इज वाई डू वी यू नो क्लासीफाई हियरिंग लॉस इन टू वेरियस बेसिस बाई वेरियस बेसिस बिकॉज आप हमारा उद्देश्य क्या है कि हम हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, उनको अच्छी तरह से इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके, एजुकेशनल मैनेजमेंट कर सके, थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट कर सके. सो टू मैनेज इन अ बेटर वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ हियरिंग लॉस, किस कारण से हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे हुआ. ऑल दीज क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड. सो जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हिज केस हिस्ट्री इज टेकन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि किसी भी जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो द डॉक्टर आस्क्स यू मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड कि पहले कैसा हुआ, पहले कैसा फील करते थे, कैसे हुआ. सो व्हेन अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट गोज देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो इंटरव्यूड. अ फुल केस हिस्ट्री फॉर्म इज फिल्ड अप कि जन्म के टाइम पर कुछ इन्फेक्शन हुआ या जन्म के बाद हुआ था. तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस के बाद द प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज डन एंड देन यू कम टू नो द एग्जैक्ट व्हाट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज एंड अकॉर्डिंग टू इट यू प्रोवाइड हिम विद द करेक्ट हियरिंग एड. क्योंकि जो करंट कंडीशन है बच्चे की उससे पहले जो भी कुछ हुआ, किस वजह से हुआ, रीजनिंग जानना बहुत जरूरी है एक प्रोफेशनल के लिए, ताकि एक उस चीज का कॉज फाइंड आउट किया जा सके कि बच्चे को ये आज जो प्रॉब्लम हुई है उसका रीजन क्या है बेसिकली. तभी हम आगे फर्दर इवेल्युएशन और मैनेजमेंट प्लान कर सकते. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन. जी, क्योंकि अगर एम्पलीफिकेशन हियरिंग एड्स देने में आपने कहीं गलती कर दी विच डजेंट सूट टू द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज देन इट विल डू नो गुड टू हिम. बहुत सारे ऐसे केसेस में इवन अगर गलत हियरिंग एड बच्चे को दिया गया तो उसकी हियरिंग और भी वर्सन हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द रियल कॉज एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज एंड देन प्रोवाइड हिम विद द करेक्ट एम्पलीफिकेशन. द लास्ट बेसिस इज सेकेंड लास्ट बेसिस इज डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. नाउ मेनी अ टाइम्स मोस्टली हम देखते हैं जब हम किसी बच्चे को लेबल करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट तो देन वी जनरली वी राइट द डिग्री लाइक ही इज माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर. सो देयर इज अ चार्ट, देयर इज अ पर्टिकुलर यू नो चार्ट गिवन फॉर डिटरमिनिंग द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. नॉर्मल द वंस विथ नॉर्मल हियरिंग फॉल इन 0 to 25 डेसिबल्स मीन्स दे आर एबल टू listen sounds which from 0 to 25 decibels the sounds wo sun sakte hain. Itni dheemi awaaz ko bhi wo sun sakte hain. Unke upar to sun hi sakte hain, 0 to 25 decibels wali awaaz ko bhi wo sun sakte hain. To aise is range mein sounds ko jo sun sakte hain unhe hum normal kehte hain. Now the children or the persons with hearing impairment who can hear from 26 decibels to 40 decibels. Iska matlab hai unka threshold is from 26 to 40. Matlab 26 ke niche ke sounds ya usse kam intensity ke sounds ye bacche nahi sun sakte hain. Aise bachcho ko hum kehte hain mild hearing loss. Now when we go to a high level like from 41 to 55 decibels mein we label children as moderate hearing loss because they can't perceive or listen to the sounds which are below 40 decibels, 41 decibels. Then moderately severe is 56 to 70 decibels. Severe is 71 to 90 decibels. And profound cases are those who have their hearing thresholds above 91 decibels. So this is a very useful, you know, criteria for determining the hearing loss because based on this, the management is done.
The educational management is done. You know, you provide them with normal, appropriate hearing aids. अगर mild category, mild hearing impaired है और उसको आपने severe category का aid दे दिया, amplification device दे दिया, so then you know it makes no sense because he was able to hear sounds from 26 to 40 decibels, but you raise the gain of the hearing aid. आपने उसको इतना, अब वो hearing aid लगाकर उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको आवाजें और ज्यादा तेज सुनाई दे रही है ना. मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, क्योंकि हम बहुत ऊंची आवाज जब सुनते हैं तो कई बार हमारे कान में दर्द होता है, दैट्स अ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन. सो उसके अबव अगर आप साउंड्स देंगे तो द चाइल्ड इज नॉट कम्फर्टेबल, ही विल हार्डली अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी ऑडियोलॉजिस्ट उसका सही तरीके से डिटेक्शन करे कि कौन से कैटेगरी में वो बच्चा फॉल कर रहा है, एंड देन प्रोवाइड हिम विद द एप्रोप्रिएट हियरिंग एड्स. क्योंकि एप्रोप्रिएटली हियरिंग एड अगर हम बच्चे को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जैसे कि आपने पहले बताया कि उसका कोई उसको यूज नहीं रहेगा, और हो सकता है कि जो उसकी रिमेनिंग हियरिंग है, जो उसकी बची हुई क्षमता है, वो वर्सन भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है. बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि माइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा था और आपने उसको सीवियर कैटेगरी का हियरिंग एड दे दिया तो उसके कान के पर्दे फट सकते हैं, बिकॉज इतना लाउड नॉइस अगर उसके कान को मिला तो मे बी वो पहले वो माइल्ड था, नाउ कंडीशन और खराब हो सकती है. और हम ये देखते हैं कि जो वेरियस डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी बदलती रहती है. लाइक माइल्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चे को साउंड सुनाई तो दे रही है, अगर आप थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे बात करें देन दे आर एबल टू हियर एवरीथिंग. जी, सो ऐसे बच्चों को यू नो कॉन्वर्सेशन में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो एडिक्वेटली डेवलप्ड इफ यू प्रोवाइड देम अ लिटिल, आई मीन व्हेन यू स्पीक टू देम और व्हेन यू कन्वर्स विद देम, जस्ट स्पीक एट अ अबव यू नो एवरेज टोन एंड देन दे आर एबल टू लिसन एवरीथिंग. फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज माइल्ड कैटेगरी हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स कैन बी वेरी सक्सेसफुली इंक्लूडेड यू नो इन अ और इंटीग्रेटेड इन एन इंक्लूसिव स्कूल. So you will hardly come to know. Many a times you will not be able to even distinguish between a mild hearing impaired child and a normal child. जी. Now when we come to moderately hearing impaired, now their problems are a little more you know severe than the mild category individuals because in a moderately जो hearing loss वाले बच्चे होते हैं ये काफी सारे sounds सुन पाते हैं and some of the sounds they miss out. You will see the mild hearing impaired children, they mostly converse with you orally. They'll talk to you, they'll converse with you. But then moderately hearing impaired children, they start using some gestures. When we move from moderate to profound, we have moderately severe, severe and profound. As the degree increases, you know, the complexity increases, the problems increases, their speech intelligibility worsen, their comprehension worsens, their reading and writing errors worsen. क्योंकि एक वो normal level से एक higher loss of level पे जा रहे हैं. अब profound वाला hearing loss का बच्चा है तो उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा इनपुट मैनेजमेंट देने की जरूरत है रादर देन टू द माइल्ड और मॉडरेट. या सो बेस्ड ऑन दिस यू नो ऑडियोग्राम एंड दिस क्लासिफिकेशन यू कैन वेरी इन अ बेटर वे यू कैन मैनेज दिस चिल्ड्रन. अगर माइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो यू कैन मेक देम सिट इन द सेकेंड और थर्ड रो, बट इफ इट इज अ प्रोफाउंड कैटेगरी चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट और अ सीवियर कैटेगरी देन यू नीड टू make him sit in the first row because he will you know wholly depend on lip reading. The mild category with proper amplification device, he behaves just like a normal child, like a normal child, he gets okay. all the inputs. It's now but the profound and severe category individuals have to be you know they depend more on the visual mode. So it depends, classification alag ho jayegi to uske according sara plan of action different ho jayega. Now the last basis of classification is the cause of hearing loss. Now this is also very important ki jo loss hua wo kis karan se hua, what was the cause of hearing loss,
And that is why I mentioned that when a child with hearing impairment comes along with his parent for, you know, evaluation and assessment, तो medical history लेना बहुत ज़रूरी है. The medical history, the case history is taken. There are many questions asked to the parents. जी. Okay. So that helps the you know, the caregiver or the, you know, doctor to understand what was the reason behind his hearing loss, and on it depends the management, how you will manage the child. So there are three types of hearing loss under the cause of hearing loss. The first one is exogenous. Exogenous means something which is outside the body, you know, a cause which did not occur inside the body, which was not inherent, but it came from outside. For example, we have the prenatal causes, natal causes, postnatal causes, and aging. Prenatal means जन के पहले हमने, आपने सुना होगा कि माता को अगर कोई इन्फेक्शन था, किसी इन्फेक्शन के कारण जब बच्चा गर्भ में आया तो बच्चे को वो इन्फेक्शन पास ऑन हो गया. जी. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है. सो दैट इज अ प्रीनेटल कॉज बिकॉज द मदर हैड, यू नो, नेगेटिव ब्लड ग्रुप बिकॉज ऑफ विच द चाइल्ड हैड दिस प्रॉब्लम. सो देर आर मेनी कॉजेज. द प्रीनेटल कॉजेज आर द वंस विच हैपन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ओके. Now there may be other instances like if the mother is suffering from rubella. Rubella is a very serious, you know, disease. If a mother suffers from rubella, the child, there is 99% chance for the child to get affected by that rubella. क्योंकि वो infection mother से बच्चे को pass on हो जाते हैं. So these are the prenatal causes. क्योंकि जन्म के पहले बच्चे में कुछ infection या mother में कुछ इन्फेक्शन के कारण अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो दोज आर कॉल्ड प्रीनेटल कॉजेज. नाउ नेटल कॉजेज आर द वंस कि जन्म के तुरंत बाद, ओके, जन्म के समय बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ. लाइक जन्म के समय ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बच्चे को न मिली हो जिसके कारण वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है. एंड देन पोस्ट नेटल कि आफ्टर, जन्म के बाद हो सकता है बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया हो. हम देखते हैं कई बार जॉन्डिस से बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, नवजात शिशुओं को जॉन्डिस होता है या कोई भी इन्फेक्शन. तो ये जैसे कि आपने पहले बताया था, एक एक्वायर्ड जो रीजंस होते हैं, मतलब दैट कम्स अंडर द पोस्टनेटल, दैट कम्स अंडर द एक्सोजेनस कॉजेस. ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कॉजेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इन्फेक्शंस या कुछ भी ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया विच आर नॉट इन साइड द बॉडी बट विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड. एंड देन एजिंग, विद एज ऑल्सो यू नो यू गेट हियरिंग लॉस. सो दीज ऑल आर टर्म्ड अंडर एक्सोजेनस हियरिंग लॉस. नाउ द सेकेंड वन इज एंडोजेनस. एंडो, जैसा कि एक्सो मैंने बताया बॉडी के बाहर, सो एंडो इज बॉडी के विद इन द बॉडी. सो विद इन द बॉडी कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसके कारण बच्चे को हियरिंग लॉस हो, एंड दैट इज हेरिडिटरी. हम जानते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो लिंक्ड टू जीन, यू नो. सो कई बार ऐसे जीन में म्यूटेशन हुए, फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पिता हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो बेटा हुआ वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड है, भाई है वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड है. सो इट रन्स इन फैमिलीज, सो इट इज लिंक्ड टू, यू नो, म्यूटेशन इन जीन एंड ऑल. सो एंडोजेनस, वी विल से अ चाइल्ड हैज गॉट एंडोजेनस हियरिंग लॉस इफ द लॉस इज हेरिडिटरी. And the third type of loss is idiopathic. Now, idiopathic loss is termed are those hearing impairments which do not have a, you know, known. You don't know what was the cause of the hearing loss. There are many instances when you don't come to know ki ye hearing loss kyun hua. There was no prenatal, sab kuch theek tha. Natal was okay. Postnatal was okay. Milestones were going okay. मतलब, I mean, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन exactly हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि बेसिकली रीजन क्या है हियरिंग लॉस. व्हाट वाज द रीजन फॉर द हियरिंग लॉस. सो ऐसे हियरिंग लॉस को हम इडियोपैथिक हियरिंग लॉस करते हैं, विच इज ड्यू टू सम अननोन पैथोलॉजी.
तो ये जैसे कि आपने हियरिंग लॉस के बारे में बताया अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, और उसमें हमने जाना कि एज ऑफ ऑनसेट क्या हो सकता है और इसके साथ साथ कॉजेस क्या हैं, किस तरह का होता है, साइट ऑफ लेजन क्या है. उसमें हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर में जिस तरह की प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग की जाती है. और ये सब कुछ एक प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट और इसके बाद की जो इंटरवेंशन है वो भी एक प्रोफेशनल के अंडर, गाइडेंस के अंडर ही करी जाती है प्रोग्रेस. जैसे कि मान लीजिए बच्चे का डिग्री ऑफ लॉस अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एक मैनेजमेंट प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हियरिंग एड दी जाती है. और जैसे कि आपने बताया एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. हियरिंग एड हम बच्चे को देते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, द लेवल द चाइल्ड इज. हमने क्लासिफिकेशन देखी कि जैसे नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है. तो उसमें आपने बताया कि डेसिबल्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, तो हम कैटेगराइज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं कि हम बच्चे को आगे क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह की हियरिंग एड देनी चाहिए और उसके साथ कैसी ट्रेनिंग बच्चे को देनी चाहिए. मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हियरिंग लॉस हो सो वी यू नो गिव देम प्रॉपर एम्पलीफिकेशन. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डू नॉट वांट देयर चाइल्ड टू यू नो प्रोग्रेस ओरली. जी ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा, बिकॉज आप जानते हो चाहे कितना भी अच्छा आप हियरिंग एड बच्चे को दे दो दैट इनहेरेंट यू नो प्रॉब्लम इन लिसनिंग इज देयर. यू नो नाउ विद कॉक्लियर इम्प्लांट्स एंड ऑल द सिनेरियो हैज चेंज्ड, बट स्टिल देयर आर मेनी पेरेंट्स हु फील दैट देयर चाइल्ड शुड यू नो start their conversation or you know they should, their language development should be manual in a way, manual language they should learn. So aise cases maybe it is important to understand what was the cause of hearing loss, degree kya hai aur uske according. Like profound category ke hearing impaired bachcho ko aap you know hearing aids, bahut achhe hearing aids bhi, I mean bahut kam fayda hi pahunchati hai aise bachcho ko kyunki unka loss bahut zyada hota hai. So in those cases it's good if you know start with manual language, with sign languages, so it will be better for the child to acquire language and communicate accordingly with his peers. ji ma'am, jaise ki aapne ye sari informations hamare viewers ko di aur aaj ka jo discussion tha it was basically regarding the hearing impairment. स्टार्टिंग हमने अपनी डिस्कशन से की कि बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है. हमारे एक्सपर्ट ने आज के टॉपिक में जो हमारे दो पार्ट्स थे, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा की टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, इन दोनों का हमने डिटेल में जाना कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट हो सकते हैं और उसके भी डिफरेंट एरियाज थे जो हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं. और आई होप व्यूअर्स को सारे समझ आ गया होगा कि बीइंग एज अ पेरेंट, बीइंग एज अ स्पेशल एजुकेटर, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं या खुद स्टूडेंट हैं, तो वो जान सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हियरिंग लॉस कितने प्रकार की होती है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, किन किन एस्पेक्ट्स में, एरियाज में वो अफेक्ट करते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने दी. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. दैट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन.